तो आज फिर से हम आ गए हैं आपके सामने लेके एक फूड ब्लॉग, और ये जो फूड ब्लॉग है ये बहुत मुझे लगता है पर्सनली इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे फूड जॉइंट पे जा रहे हैं जिसके स्नैक्स बहुत फेमस हैं। तो शायद आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा कि हल्दीराम कितना फेमस है, तो ये हल्दीराम का ही कॉम्पिटिटर है, बट बेसिकली हल्दीराम का ही कॉम्पिटिटर होते हुए भी उनके रिलेशन में ही है। तो हम बात कर रहे हैं बीका जी की, तो हम आज जा रहे हैं बीका जी के एक फूड आउटलेट पे, जहाँ पे हम जाके करने वाले हैं टेस्टिंग उनके तरह तरह के स्नैक्स की। और हम अभी इन्फिनिटी मॉल जो मलाड वेस्ट में है मुंबई के, वहां पे हम आए हैं। हमने यह गाड़ी अभी पार्क करी और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही है बीका जी का फूड जॉइंट। तो हम, मैं और आरती, अब वहां के लिए निकलते हैं, वहां पे टेस्ट करेंगे क्या क्या वहां पे नई नई आइटम्स हैं। तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है क्योंकि दोपहर के बच्चों के हैं अभी 3:15, तो हम पहुंचते हैं वहां पे और मिलते हैं आपसे वहां पर और दिखाते हैं आपको शानदार वाला बीका जी फूड आउटलेट का फूड ब्लॉग। और बने रहना आप इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये बहुत ही यमी होने वाला है। हम लोग आ चुके हैं बीका जी के आउटलेट में, जो कि है मलाड वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल के जस्ट साइड में। तो ये बीका जी का आउटलेट आप देखिए, बाहर से बहुत बड़ा है, और हमारे साथ एक बीका जी में काम करने वाले रिप्रेजेंटेटिव है। तो बहुत बड़ा आउटलेट है, और यहाँ पे अंदर जिस तरह से दिख रहा है, सीटिंग भी है, प्लस बहुत सारी आइटम्स है जो कि आप खरीद सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, और इस ये बहुत अच्छा है व्यूअर्स, बहुत अच्छा। आप देखिए कितना क्लीन है एकदम, और इस तरफ आप देखिए बीका जी की सारी आइटम्स, हर तरह की नमकीन, बीका जी रसगुल्ले, वो सामने आप देखिए शेल्फ में बीका जी की भुजिया, बीका जी के आलू भुजिया। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो बीका जी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे देखिए आप ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं गिफ्ट्स करने के लिए, और मतलब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद तो एक ही जगह पे बीका जी की आइटम्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं बहुत सारी इनमें से अपनी डेली लाइफ में, पर एक साथ जब ये चीज़ें देख रहे हैं तो क्या लें क्या ना लें। और ये स्पेशल एक बॉक्स है जो कि गिफ्ट के तौर पे आप किसी की मैरिज में या कहीं पे भी आप दे सकते हैं। तो ये पूरा पैकेट है ऐसा, और यहाँ पे शेल्फ में आप देख सकते हैं बीका जी की फेमस भुजिया और आलू भुजिया, और ये, और यहाँ पे तरह तरह की नमकीन के पैकेट्स पड़े हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ी दिखाना चाहता हूँ यहाँ की फ्रेश मिठाइयाँ, और एक से बढ़ के एक मिठाई यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। आप देखें कितनी सारी मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयों से तो लेके सब कुछ, और सब देख के पता लग रहा है कि फ्रेश हैं, और इनके ऊपर डेट्स भी मेंशनड हैं कि ये कब बन के यहाँ पे बना के किस दिन रखी गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन, और यहाँ पे भी कुछ आइटम्स हैं अलग अलग मिठाइयाँ, इतनी सारी स्वीट्स, और देख के है ना सच में कोई भी इंसान के मुंह में पानी आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं क्या खाएं, हम यहाँ पे खाने आए हैं इनके फेमस स्नैक्स। तो आपको मैं स्नैक्स का मेनू दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या मिलता है। तो आप देखिए कितनी सारी वैरायटी यहाँ पर है, छोले भटूरे से लेकर कचौरी, समोसा, पाव भाजी, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो हमने सोचा है कि हम ऑर्डर करेंगे छोले भटूरे और बेदमी पूरी आलू भाजी, क्योंकि बेदमी पूरी आलू भाजी यहाँ पे सिर्फ वीकेंड को ही मिलती है। तो आज है सैटरडे, तो हम ऑर्डर करेंगे बेदमी पूरी आलू भाजी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो अब हमने ऑर्डर कर चुका है, हमने काउंटर से स्लिप कटवा दिए और स्लिप इनको दिए। तो हमने एक समोसा ऑर्डर किया है, तो ये देखिए आप, हमें इन्होंने ऐसे प्लेट में एक समोसा दिया है। पीछे की तरफ इनकी आई थिंक रसोई है, बैकग्राउंड में जहाँ पे आप देख रहे होंगे वो भटूरे का प्रिपरेशन हो रहा है हमारे। तो गरम गरम भटूरे है ना अभी बनेंगे, और यहाँ पे हमारे छोले भटूरे और बेदमी पूड़ी की प्लेट को सजाया जा रहा है। ये देखिए मिर्ची,
मतलब हमारे यहाँ तो कहते हैं इसे भरमा टाइप का मसाले वाली मिर्ची, वो फ्राइड आलू, कच्चे प्याज, और अब आने रह गए हैं भटूरे और बेदमी पूड़ी। तो पता नहीं कैसा टेस्ट होने वाला है, बस जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि ये प्लेट देख के ऐसा मन कर रहा है कि कब इनमें आए खाने के लिए और कब हम है ना शुरू करें आज का खाना। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे अलग अलग मिलती है। आई थिंक ये खमन है, जिसे ढोकला, खमन ढोकला कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पे सारी अलग अलग तरह की भाजी रेडी करी हुई है। तो छोले हैं यहाँ पे, पाव भाजी, और ये इस तरफ आपको दिख रहा होगा कचौरी है, समोसा है, और बीकानेरी कचौरी, बहुत कुछ है, सच बता रहा हूँ बहुत कुछ, ओनियन कचौरी, अलग ही खुशबू आ रही है, सच बता रहा हूँ ऐसी खुशबू आ रही है ना नाक में। और यहाँ का ये इंटीरियर देखिए आप, ये स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे इनके ऐड चल रहे। मैं सच बता रहा हूँ क्लीनलीनेस के मामले में बीकाजी के आउटलेट बहुत ज़बरदस्त है। आरती बैठ चुकी है हमारा सामान, मतलब सामान क्या, खाने की चीज़ें लेके, और सामने श्रीनाथ जी की तस्वीर लगी हुई है। तो चलते हैं हमारी टेबल पे और करते हैं खाने की टेस्टिंग। और एक छोटा सा ये फवारे जैसा यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो चलते हैं हमारी टेबल पे। आरती जो है वो आपको है ना छोले भटूरे का टेस्टिंग करके बताएगी, तो कैसे हैं बीकाजी के छोले भटूरे। एंड हमने एक प्लेट समोसा भी लिए, तो वो सब टेस्ट करके आरती बताएगी। तो आप देख सकते हैं छोले भटूरे छोले एकदम मसालेदार, एकदम जबरदस्त है, भटूरा भी एकदम फ्लफी और सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं एकदम मस्त है। आपको ये मिर्ची और ये मुझे पता नहीं क्या है, ये आई थिंक अरबी का पत्ता है आरती। अच्छा है पर मीठा है, ये पता नहीं क्या है, अरवी अरवी के पत्ते का बना हुआ है। और आपको एक आलू और मिर्ची भी दी है, अभी विनीत आपको बेदमी पूरी और रस्ते वाले आलू ट्राई करके दिखाएंगे। अब व्यूअर्स आपको बेदमी पूरी जो कि मेरी फेवरेट है, जो कहीं नहीं मिलती है व्यूअर्स, वो आपको ट्राई करके बता रहा हूँ। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है, ये बेदमी पूरी और आलू की भाजी आपको रेयरली है ना कहीं मिलती है। तो बेसिकली बेदमी पूड़ी के अंदर हल्का सा दाल होती है, तो ये है ना दाल अंदर ना इसकी फीलिंग होती है। तो अभी इसके साथ दी है पूरी आलू की भाजी, तो ये देखिए आप इसको मस्त ऐसे डुबाओ, इससे बड़ी जन्नत कुछ नहीं हो सकती आरती। आलू की सब्जी इतनी टेस्टी है, और ये बेदमी पूरी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो अल्टीमेट है। और आरती तुमने समोसा तो है ना टेस्ट करके बताया नहीं, मैं ही करता हूँ टेस्ट। हाँ। तो समोसे को ऐसे लीजिए, ऐसे चटनी में डुबाएं, ये तीखी ये मीठी, समोसा इज नाइस, पर क्या है कि थोड़ा समोसा ठंडा हो गया है क्योंकि हमने बहुत देर से यहाँ रखा हुआ है, पर टेस्ट बहुत अच्छा। पर जो इसके छोले भटूरे बीकाजी के और जो बेदमी पूड़े, मैं मानता हूँ कि अल्टीमेट है। तो मैं एक बार है ना भटूरा भी ट्राई करता हूँ जो आरती ने बताया, मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं खाऊं। छोले की सब्जी आप देखिए कितनी यम्मी लग रही है दिखने में। आरती ये भटूरे और छोले कितने यम्मी है यार, ये दोनों तो डेडली कॉम्बो है। और आपने देखा बेदमी पूरी चार पीस दी है और भटूरे दो पीस दिए है, तो चार पीस दिए बहुत अच्छा है।
मेरे हिसाब से ये दोनों 300 रुपीज के आसपास है और ये इनफ है दो लोगों के खाने के लिए, मैं तो मानता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे कि इतनी डिलीशियस स्वीट्स हैं तो हम स्वीट्स भी ट्राई आउट करें यहाँ की। तो इसमें है ना व्यूअर्स, आप देखेंगे ये जो छोले दिए हैं इसके अंदर पनीर के क्यूब्स भी हैं, फ्राइड क्यूब्स, फ्राइड किए हुए क्यूब्स। और हम लोग एकदम मस्त टेस्टिंग कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना आरती, क्यों इतना मतलब बीका जी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल बीट कर दिया। हम पहले घर पे मंगाते थे पर हमने बहुत टाइम से, शायद साल डेढ़ साल से हमने बीका जी से कुछ मंगाया नहीं, पर यहाँ पे आके खाने का जो मजा है ना वो अलग ही, क्यों आरती। और जो आलू की सब्जी तो बहुत यम्मी, ये आलू की सब्जी बहुत यम्मी है। और ये जो मिर्च है ना ये बिल्कुल तीखी भी नहीं है और इसके अंदर इतना जबरदस्त है ना फीलिंग भरी हुई है, ये आप देखिए, ये फीलिंग देखिए आप। और आप बेदमी पूरी भी देखिए कैसी एकदम है। ये बेदमी पूरी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, भटूरे के सामने आज मेरी फेवरेट बेदमी पूरी जीत रही है। क्या हालती, बहुत मजा आ रहा है ना खाना। और बाहर है बरसात का मौसम और ऐसे मौसम में ऐसी चीज खाने का मजा ही कुछ और है। तो व्यूअर्स हम लोग अभी है ना छोले भटूरे खा लिए हमने, बेदमी पूरी खा ली और मतलब मजा आ गया हमें। फिर यहाँ पे बीका जी में इतनी सारी अच्छी अच्छी स्वीट्स हैं तो हम लोगों ने सोचा कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और कितना है ना मतलब मिर्च मसाला वाला मस्त टेस्टी है ना खाना खाने के बाद कुछ तो स्वीट होनी चाहिए ना व्यूअर्स। तो हम लोगों ने है ना मंगाई है रस मलाई। तो आपको एक बात बताऊं मैं कि यहाँ पे बहुत टेस्टी बंगाली मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन वाली भी है यहाँ पे, आपको साउथ इंडियन की कोकोनट वाली टाइप जो मिठाई आती है स्वीट वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। कलकत्ता में जो आपको सारी मिलती है स्वीट्स वो भी है। तो हमने बहुत टाइम से है ना रस मलाई टेस्ट नहीं करी, मतलब बेसिकली हम लोग जैसे मिल्क केक होता है, गुलाब जामुन होता है, ये सब तो हम खा ही रहते, पर आज मैंने आरती बोला आरती है ना बीका जी की रस मलाई टेस्ट करना है। तो देखिए ये हमने एक पीस रस मलाई ली है तो एकदम फ्रेश है ये, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है इसका रस मलाई का टेस्ट। आटी तो रबड़ी है ब्रो, इतनी फ्रेश है रस मलाई और केसर का, और केसर और का फ्लेवर तो है आरती, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो मिठास होती है, अगर स्वीट हद से ज्यादा स्वीट हो जाए ना तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है तो मेरे को तो बहुत यमी लगी है। और यहाँ पे हर एक बंगाली मिठाई के लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये आज के डेट की है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे ही चलती है, उधर सब लिखा हुआ है कि आज का फ्रेश बनाया हुआ है, फ्रेश बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक तो है ना फ्रेशनेस जो है खाने की वो प्लस क्लीनलीनेस, आपको मैंने वीडियो में अभी पहले आपने देखा होगा यहाँ इतना क्लीन है, इतना क्लीन, इतना वेल मेंटेन है, आपको खाने में भी इतना अच्छा लगे। तो हम लोगों को है ना रहा नहीं गया और आरती ने मुझे जैसे ही बोला कि है ना आपको पता है आपको केसर बादाम वाला मिल्क बहुत अच्छा लगता है तो वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमें अभी ये लेकर आया हूँ केसर बादाम मिल्क। और मुझे है ना इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसे कब पीना शुरू करूँ। तो आरती जरा खोल के बताओ व्यूअर्स को ये कि इसकी रैपिंग की कैसा है ये। ओहो पूरा बादाम से लथपथ। तो ये देखिए आप बीका जी का केसर बादाम मिल्क, और आप देखिए ड्राई फ्रूट्स कितने सारे, देखिए अंट शंट आरती, अंट शंट ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं और ये तो बहुत यम्मी लग रहा है, जरा टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। कैसा है, बहुत ही कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है और ड्राई फ्रूट्स आपके आप हर एक चम्मच में लोगे आपके पास ड्राई फ्रूट्स आएंगे ही, देखिए आप कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगा, ज्यादा मीठा भी नहीं है, एकदम अच्छा बैलेंस स्वीट है। तो हम लोग यहाँ पे है ना बहुत पागल होते जा रहे हैं आरती, हम सोचते कि बस अब इसके आगे नहीं खाएंगे, पर हम एक एक है ना आइटम यहाँ पे देख रहे हैं और खाने का है ना वो कर रहे हैं कि खाओ खाओ खाओ। तो बस अब आरती इसके बाद केसर बादाम मिल के बाद कुछ नहीं, ठीक है ना, नहीं तो पेट हम दोनों का फट जाने वाला है अभी। तो चलो केसर बादाम मिल्क फिनिश करते हैं, व्यूअर्स को बताते हैं यहाँ की प्राइस। तो व्यूअर्स हम लोगों का आज जो बीकाजी फूड जंक्शन पे जो बिल बना है तो आप सामने देखिए, छोला भटूरा 180, पूरी भाजी 130, समोसा 20 रुपए का, उसका टोटल 330 था। फिर हमने ली थी रस मलाई और एक पानी की बोतल तो वो 60 रुपीज की थी, और जो हमने अभी बादाम मिल्क का ग्लास जो पिया है वो 80 रुपीज का था। तो टोटल हमारा बिल बना
330, 60, 390 और 80, 470. तो हमारा टोटल 470 रुपीज में क्यों आरती शानदार वाला हमने है ना लंच, मतलब अलग ही लेवल था यार मेरे को है ना, सच बता रहा हूँ मैं। बेदमी पूरी और भाजी हमारे लिए रहेगी नंबर वन, और छोले भटूरे, रस मलाई और बादाम मिल्क सब एक साथ नंबर टू, क्या बोलती है? तो ये था हमारा 470 रुपीज में आज का शानदार बीकाजी का जबरदस्त खाना। तो हम लोग है ना बीकाजी से चल के वापस उसी जगह आ गए इन्फिनिटी मॉल में मलाड के, जहाँ पे हमने आपको शुरुआत में इंट्रोड्यूस करा था। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं सच में मानूं तो मुझे बहुत जबरदस्त लगा है खाना। पर्सनली बोल रहा हूँ कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि इतना अच्छा होगा, पर कहना पड़ेगा स्वीट से लेके और सब। मैंने हल्दीराम का भी ट्राई करा है पर मुझे हल्दीराम से ज्यादा बीकाजी का अच्छा लगा। हाँ, हल्दीराम के छोले भटूरे हमने ट्राई करे थे, घर पे मंगाए थे, हम उसके जॉइंट पे नहीं गए थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या पता हम बीकाजी का इस बार बना रहे हैं तो अगली बार हम हल्दीराम का बनाए और हल्दीराम पे जाकर हम वहाँ का फूड आपको टेस्ट करके बताए। तो अल्टीमेटली मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा था, और मिलते हैं आपसे अगले कोई अच्छे ब्लॉग में। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताएं और शेयर करें सारे।